एक दो दिन ट्राई कर देखो थाली पागड़ी झिणी झिणी ओट ठंडा पड़ा जीवन किया है। इसी जगह प्रार्थना सभा होती थी, मैं लाइन में बैठा था, नाम नहीं लूंगा, आदमी अभी परिसर मौजूद है कि देख बाल देख तेरे पाइडिये का चाटूड़ा जने ऊ के उत्तर बतावे। ये मत देखो कि ये मेघवाल ने बात कह दी या खिचड़ ने कह दी, लेगा ने कह दी, गोदारन कह दी, इस बात को भूलो। मैं पद पे मैं तो श्याम सुंदरी हूँ, पद मेरे पास अभी समय है, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल है। वक्ता की बात सुन के संकल्प लिया था तो एक बच्चा यदि एक परिवार में सक्सेस होता है तो पीढ़ियों तक का भाग बदल सकता है। मैं इसी गांव का, मेरे दादाजी को आप में से सभी लोग जानते हैं, कुछ तो मेरे परिवार के यहाँ बैठे, मेरे रोल मॉडल मेरे दादाजी हरपड़ा राम जी गोदर। रोके करोगे घसीटते घसीटते चलोगे तो आपके जीवन की कोई चॉइस आपकी चॉइस नहीं होगी। पवित्र विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है इस कार्यक्रम से हम सभी लोगों को एक सीख लेके जानी है, एक लाभ लेना है जिसे हमारे जीवन में ऐसा बदलाव या ऐसा कोई परिवर्तन आए जिसकी वजह से हम अपने जीवन को ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ ज्यादा आनंद से जी सके। आज के दिन कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है उसके पीछे जो मुख्य काम करने वाला आदमी डॉक्टर सुनील जी तेतरवाल, डेजर्ट एटी के नाम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनसे, उनके लिए एक बार तालियों के अभिवादन के साथ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आशा के, शिक्षा की अलख जो अभी जगी है पिछले दो सालों से, गांव गांव में लाइब्रेरी का कंसेप्ट हो या गरीब बच्चों को किस प्रकार से हम मोटिवेट करके ऐसे होनहार प्रतिभावान बच्चे जो कमजोर परिवार से हैं, जिनके परिवारों की आय इतनी नहीं है कि आज की महंगी शिक्षा पद्धति में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके, ऐसे में ऐसे पुस्तकालय वाचनालय गांव में खोला जाना बहुत बड़ा अवसर है हम जैसे साधारण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए। यहाँ विद्यमान इस परिसर में सभी, चाहे वो अनपढ़ आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है या बच्चा, सबको इस लाइब्रेरी को गांव में यूं मान के चलोगे, अपन यूं मान के चलेंगे, ये लाइब्रेरी इस गांव के लिए मिसाल बने और गांव इस लाइब्रेरी से आगे अपना नाम पूरे समाज में और पूरे देश में सर्व समाज के अपने गांव के बच्चों का इस चयन होना चाहिए, लाभ अपने मिलना चाहिए, न केवल पढ़ाई में नौकरी में बल्कि गांव के प्यार सद्भाव में आपस में सौहार्द में गांव की प्रगति में, ये अच्छे माध्यम है। ऐसे मौके होते हैं जब हम लोग बैठ के अपने छोटे संकीर्ण स्वार्थ छोड़ के एक नेक उद्देश्य के लिए शिक्षा जैसा औजार हथियार मनुष्य के पास जो पढ़े लिखे नहीं है और जिनकी उम्र अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो गई है उनसे आप पूछो, उनके दिल में टीस है इस बात की कि काश मैं पढ़ लेता, स्कूल भेजा तो था मेरे को लेकिन मैं क्लास से भाग गया या नीम पे चढ़ गया, कुरान डंडा खेलने लग गया या कुछ और करने लग गया, गिल्ली डंडा खेलने लग गया या और किसी काम में लग गया, रुचि बनी नहीं, तो उन सबको अफसोस है। आप यहां बैठे किसी से भी पूछो, शिक्षा वो माध्यम है आदमी में सकारात्मक ऊर्जा भरने का और इस पृथ्वी का, प्रकृति को जानने का, परमात्मा ने जो सृष्टि रचाई है उसके बाद इस मनुष्य को भगवान ने बनाया, इस मनुष्य ने भी इस शिक्षा के दम पे ये सारा भौतिक संसार रचा है। विमान उड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन आए, यहाँ बैठे मोबाइल, ये माइक यहाँ बोल रहे हैं, आवाज आप तक आ रही है, कैमरे से लाइव आ रहा है, सारी की सारी मनुष्य की बुद्धि से विकसित उपकरण है, सारे माध्यम है। तो आप सभी को हमको इस बात को गांठ के रूप में बांधना चाहिए कि शिक्षा वो माध्यम है जो हमारे व्यक्तित्व के और आयाम खोलती है, हमें दुनिया का ज्ञान कराती है, संसार का ज्ञान कराती है कि खीप बीकानेर में दोरों में क्यों है, उदयपुर में खीप क्यों नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है। हालांकि बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी भी अपने अनुभव के आधार पर वो भी शिक्षा के माध्यम में सीखने के, लेकिन जो औपचारिक शिक्षा है वो अभी के समय की मांग है। वर्तमान समय में प्रत्येक जन्मने वाले बच्चे को जो ही वो चलना फिरना चालू कर देता है, ठीक से बोलना चालू कर देता है तो हम उसको विद्यालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं।
कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सभी, लेकिन कुछ बच्चे पारिवारिक परिस्थिति के कारण, किसी संगति के कारण या कोई ऐसी प्रेरणा नहीं होने के कारण पढ़ाई में अभी भी धीरे धीरे आगे नहीं जा करके बीच में कहीं ठहर जाते हैं। हालांकि इसके अनेक कारण होते हैं, फिर भी प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक गार्जियन को प्रयास करना चाहिए कि जो भी बच्चा उनके घर है, जैसी उसकी क्षमता है, भगवान ने हर आदमी को अद्वितीय बनाया है। कोई आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। एक माँ के, एक पिता के चार बच्चे हैं तो चारों बच्चों की बुद्धि अलग होगी, सोच अलग होगी, उनके भाव अलग होंगे, नए नक्शब अलग होंगे। ये भगवान ने हर जीव को अद्वितीय बनाया है। तो अपने को अपने बच्चों की किसी अन्य बच्चों के साथ कोई तुलना नहीं करेगा। हर बच्चे में एक क्षमता है, हर प्राणी में एक क्षमता है, उस क्षमता को पहचानना है। कोई बच्चा मिस्त्री अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, उसकी रुचि अच्छी शिक्षा के साथ व्यवस्थित उसकी रुचि डेवलप होते, विकास होता है, उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। तो आज के दिन अपने गांव में इस लाइब्रेरी की जो शुरुआत हो रही है, नाम डॉक्टर अशोक जांगू वाचनालय रखा है। मैडम ने बताया पहले, उसे पहले डॉक्टर साहब जांगू साहब ने बताया, रामचंद्र जी ने, कि अशोक जी बहुत कम उम्र में अपने जीवन में ऐसा कुछ कर गए कि आज हम उनके नाम पे लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने वो भी हमारी तरह बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि के, धोरीमन्ना में मैं उपखंड अधिकारी, पहली पोस्टिंग मेरी धोरीमन्ना हुई थी, देखा हुआ उनका जो गांव है बिल्कुल दोरों में, डाणियों में, ऐसी डाणी से निकल गए। यदि कोई आदमी बहुत कम उम्र में ही पूरी राज्य के डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, अभी रामचंद्र जी जो साहब बता रहे थे अध्यक्ष बने थे, बहुत धड़ल्ले के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना की महामारी के दौरान दुर्भाग्य से वो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए कामों की आज हम जिक्र कर रहे हैं। उनके साथ वाले साथियों ने या उनके सीनियर जूनियर लोगों ने मिलकर उनके नाम को अभी अमर किया है कि वो आदमी इस लेवल का था। ये हम लोगों के लिए एक सीख है कि व्यक्ति सारे एक समान होते हैं, कोई आदमी अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा और बुरा आदमी का आचरण होता है और हमारा आचरण परिस्थिति पे निर्भर करता है। हम खुश होते हैं तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जब हमारे अनुसार परिस्थितियां नहीं है, हम कोई काम करना चाह रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, या कोई हमें इरिटेट करता है, चिढ़ाता है, ताने देता है, ऐसी स्थिति में आदमी को क्रोध आता है या किसी भी हिसाब से नकारात्मक ऊर्जा का उसमें संचार होता है, वो काम से बाधित हो जाता है, अपने पथ से भटक सकता है। तो हमें एक बात और गांठ बांधनी है कि जीवन में कोई सी स्टेज आए, हमेशा सकारात्मक रहना। मैं इसी गांव का हूं। मेरे दादाजी को आप में से सभी लोग जानते हैं, कुछ तो मेरे परिवार के यहां बैठे। मेरे रोल मॉडल मेरे दादाजी हरपाड़ा राम जी गोदर हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, उन पढ़े हुए भी नहीं थे, लेकिन उस आदमी में इतना धीरज था, इतना संयम था, इतने सहज थे। मैंने उनसे कभी अपने घर उनके साथ जीते, मैं 15-20 साल मेरी यादाश्त उनके साथ मैंने बिताए, कभी उन्होंने किसी की चुगली नहीं की हमें, मेरे सामने। मैं मानता हूं कि मेरे दादाजी मेरे इस चरित्र गठन में, आज इस जगह तक पहुंचने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको मैं नमन करता हूं। 6 बेटियां, 2 बेटे और बहुत थोड़ी सी जमीन, लेकिन उस आदमी की धीरता, उस आदमी का आचरण वास्तव में वंदनीय मेरे लिए। मैं आज उनको इस पवित्र मन से नमन करता हूं। सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि आप अपने घर के माँ बाप, दादा दादी, इनकी रेस्पेक्ट करो, कोई शर्त के साथ नहीं। हर माँ बाप, चाहे वो किसी जाति धर्म का, ये सब पहचान हमने बाद मनाई। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए भला चाहता है। वो जो कुछ भी कह रहा है, आपको बाहर जाने से टोक रहा है, मोबाइल चलाने से रोक रहा है या खेलने से मना कर रहे हैं, उसके पीछे उनका, आपकी भलाई के लिए उनके मन में कुछ उनको चल रहा है। तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आप जहां भी जाओ उनको ध्यान में डाल के जाओ, पूछ के जाओ। ऐसे जब परिवार का माहौल होता है तो वहां पलने वाला, पनपने वाला बच्चा अलग ही होता है। और शिक्षा पढ़ेंगे लिखेंगे आप, औपचारिक शिक्षा बच्चों को जितनी अच्छी दिलाओगे,
उसको इसका अधिक से अधिक ज्ञान होगा, एक चीज को कई तरीके से देखने ज्ञान होगा, समझ में आएगा कि आदमी सारे एक समान होते हैं, जाति आती है, रिश्ते करने वाले टाइम आती है, बाकी काम कहीं नहीं आती, प्रेम काम आता जीवन में। आप अपने आसपास हम सब सोच लो कि हमारे रूटीन लाइफ में जीवन में जब धन की जरूरत होती है, किसी प्रकार का खुशी का या कोई दुर्भाग्य से खराब अवसर होता है, तब साथ कौन देता है? परिजन देते हैं या प्रेम वाले आदमी देते हैं? भले वो किसी जाति का हो, बिश्नोई हो, जाट हो, मेघवाड़ हो, कोई भी जाति हो, तो इस संसार में सबसे अव्वल रिश्ता प्रेम का है। और अपने पास अवसर है अभी भी, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में, प्रेम से कमाए हुए संबंध विरासत होते हैं, अतुल्य होते हैं, वह आदमी सोचता नहीं। तो छोटे मोटे स्वार्थ परिवार में जमीन को लेकर के, आगे की जमीन, मौके की जमीन, ज्यादा पानी वाली जमीन, दूर जमीन, इस प्रकार की सोच वाले परिवार में बड़ा व्यक्तित्व नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि हम सब इस प्रकृति के बहुत लेस मात्रांश है। और प्रकृति के कुछ सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है, इसका स्वाभाविक सत्य है कि यहाँ आपको सक्सेस, जिसको अपन सफलता कहते हैं, या कुछ अपन अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पढ़ लिख के चाहे अधिकारी बनना है, या बिजनेस करना है, या आपको कुछ भी करना है, वैज्ञानिक बनना है, आपको उसके योग्य बनना पड़ता है। आपका आचरण, आपकी सोच उस लेवल की होनी चाहिए, फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक हम धरती पर रहेंगे, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप हंस के करोगे तो परिणाम आपके अनुरूप होंगे, रो के करोगे, घसीटते घसीटते चलोगे तो आपके जीवन की कोई चॉइस आपकी चॉइस नहीं होगी। एक टाइम के बाद आप स्कूल में पढ़ते नहीं हो तो उम्र हो जाती है, घर वाले शादी की बात करेंगे, वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका जो समय था उसमें आपने पढ़े लिखे नहीं, तो उस लेवल का रिश्ता नहीं आएगा, कोई पूछेगा ही नहीं भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है। यदि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वहां से आपके जीवन साथी, जिसके साथ आपको पूरी जीवन गुजारना है, लोग पूछ के करेंगे कि हम इस भले बच्चे को हमारी बच्ची देंगे या इस भली बच्ची को हम ले जाएंगे। कहने का मतलब, हमारे जीवन की हर चीज आपस में जुड़ी हुई। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल में आके 90% नंबर लाना ही अच्छा पढ़ने का या सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप प्रेम पूर्वक रहते हो और जो सच्चाई है उसको कहते हो, बिना किसी की परवाह किए स्वीकार करते हो, आप गलती होगी जीवन में, स्वाभाविक है गलतियां होना, क्योंकि हम निरंतर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई परिस्थितियां आती है, तो मन से गलती हो सकती है, बोली में हो सकती है, काम में हो सकती है, लेकिन उसको स्वीकार करेंगे, करते हैं, तो की हुई गलती अपने आप माफ हो जाती है। और हमें क्षमता ये प्रकृति देती है कि हम वापस उस गलती से सीखे, सबक से पुनः ऐसी गलती नहीं करते, और गलती की वजह से जो हम खोते हैं या जो नुकसान होता है उसकी भरपाई बहुत अच्छे से होती है। या मंच पे या मेरे सामने सभी बहुत ही अनुभवी, अपने जीवन के लंबे अनुभव उनके पास है, अपने अपने क्षेत्र के, और मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आम मेरी जो सोच है उसके अनुसार आप सब लोगों के साथ व्यक्त कर रहा हूँ, प्रेम पूर्वक, समय ज्यादा ले रहा हूँ हक समझते हुए, क्योंकि मुझे मेरे ही गांव में पहली बार बोलने का इस प्रकार से इतने लोगों के साथ अवसर मिला है। तो हमें आज इस दिन को ऐतिहासिक दिन मनाना है, 11-12-22 आज दिन है, 11 दिसंबर 2022 आगे गांव में ऐसा सम्मेलन हो जब हमारे गांव से निकले हुए सितारों को हम सम्मानित करें और ऐसे सम्मानित लोगों को बुलाएं कि देखो हमने उस टाइम लाइब्रेरी चालू की थी और ये बच्चे हमारे उस माहौल से या उन्होंने उस दिन की किसी वक्ता की बात सुन के संकल्प लिया था। तो एक बच्चा यदि एक परिवार में सक्सेस होता है तो पीढ़ियों तक का भाग बदल सकता है। कुछ नाम मैं समाज बता सकता हूँ, जो भी नाम हम किताबों में पढ़ते हैं उन लोगों ने अपने लिए नहीं सोचा था, सही को सही, गलत को गलत कहा था और छोटे मोटे स्वार्थ के ऊपर सोचा था। हम सब लोगों की अंतिम मंजिल मृत्यु है, एकमात्र काम है जो जीवन में होना तय, मौत हम सब की आएगी, कब किसकी आएगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन आएगी। उससे पहले हम सब लोगों के पास अवसर है कि जो कुछ अभी हम जिसका धनी बने बैठे हैं या सोच रहे हैं कि ये हमारी है, जमीन है, बा है, फलाण है, धिकड़े हो, काकड़ो के गए, सब आपका वहम है, यही धरी रह जाएगी, 2 घंटे के अंधर अंदर आपको निपटा के वापस हाथ धोके आके बैठ जाएंगे, याद करेंगे घर के परिजन, 10-15 दिन बिरक लेंगे और उसके बाद हाँ भाई ये तो होनी थी, प्रकृति कौन टाल सकता है, सच्चाई है। तो हमें समझना होगा कि हम यहाँ के स्थायी वासिंदे नहीं है, गांव कुछ और अगुणी
हमारा नहीं है। यहाँ कई पीढ़ियां गई, कई लोग आए हमारे से पहले, बड़े बड़े लोग आए गए। कहने का मेरा भाव कहने का ये है कि अभी भी अवसर है कि गांव की प्रगति के लिए सब लोग बैठ के साथ अच्छी बात का सारे समर्थन, भले वो किसी आदमी के मुख से निकलिया हो, किसी जाति का हो, कहीं रहता हो, ये मत देखो कि ये मेघवाल ने बात कह दी या खिचड़ ने कह दी, लेगा ने कह दी, गोदारा ने कह दी, इस बात को भूलो। वस्तुनिष्ठ बात करो कि ये गांव की भलाई की बात है। अब यदि गांव में ये चीज विकसित होगी, पानी का जीएलआर बनेगा, टंकी बनेगी, पाइपलाइन बनेगी, रोड बनेगी, तो उसका फायदा आगे 20 साल पूरे गांव को मिलता है। रोड या कोई सार्वजनिक चीज होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। आदमी वहम रहता है कि मेरे घर के आगे से बन रही है तो वह भाई मेरे अनुसार बननी चाहिए। अरे ये मूर्खता है। आप अपने बच्चों के लिए खाई खोद रहे, गारंटी इस बात की। गांव में रात में आया, सड़कें बहुत अच्छी बनी है लेकिन गलियों की चौड़ाई इतनी कम है, तो मुझे इस देख के लगा कि मेरे गांव के लोगों की सोच इन गलियों की तरह हो गई। विगत में हम जाके सुधार नहीं कर सकते, वापिस जाके अपन हम कुछ नहीं कर सकते। जो बीत गया उसमें सुधार नहीं हो सकता, लेकिन आने वाला अपने हाथ में, आने वाली चीज अपने हाथ में है। जब भी जीवन में कोई विवाद की स्थिति बने या किसी से आपका हित टकराए, चाहे वो जमीन के बंटवारे को लेकर के हो या गांव में विकास को लेकर के हो, खुले मन से अपना पक्ष रखो कि ये बढ़िया क्वालिटी की जमीन है, मेरा इस वजह से हक है या मैं इसको नहीं देना चाहता। मेरे हिसाब से शायद ही कोई आदमी आज तक किसी ने किसी को सच्चे मन से कही है और उसकी बात डालता हूं। लेकिन हम क्या है कि संसार सागर की यूं ही सोचता है आदमी कि मैं ये कर रहा हूं, हम कुछ नहीं कर रहे, वरना समय के साथ ऑटोमेटिक। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पद पे, मैं तो श्याम सुंदरी हूं, पद मेरे पास अभी समय है, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल है, उनकी बातें, उनके साथ खाया अन्न कमाया, उसका रस है ये जो मैं आप लोगों से, आपके बीच का ही छोटा बच्चा समान पाके आप लोगों को उद्बोधित कर रहा हूं। कहने का भाव यह है कि यदि हम सही बात जो सही होती है, जिसको कोई किसी के मुख से निकले, ऐसी चीजों को सपोर्ट करो। गांव से जब भी सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट हो या 400 मीटर ट्रैक वाले सोशल ग्रुप में कुछ डालो, ऐसा होना चाहिए कि बात निष्पक्ष है। भले ही आपके मतभेद हो, आपके आपस में नहीं बनती, लेकिन सही बात को सही बोलो, गांव की आबो बदल जाएगी। पूरे कहीं आसपास एरिया बात करेंगे, कुछ और जैसा गांव नहीं है, वहां जैसे आदमी नहीं। तो मैं ज्यादा अब आप लोगों को इसमें नहीं कहूंगा। मेरी जो मंशा है आपको मैंने जाहिर की है। मैंने इस विद्यालय के पवित्र परिसर में, मुझे भी अवसर मिला 11 महीने सामने वाले 10 नंबर कमरे में बैठ के ज्ञान प्राप्त किया, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं आज जिस जगह पे हूँ उस टाइम का भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब लोगों को इतना प्रेम से अधिकार पूर्वक कहने का हक इसलिए समझता हूं कि जब से जब कोई आदमी समाज में अधिकारी या कुछ बन जाता है तो स्वाभाविक है उसको बहुत सम्मान मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। जहां भी जाते हैं, मंच पे बैठते हैं, बोलने के लिए बुलाते हैं, माइक देते हैं कि आप बोलो, हर जगह हम बच्चों से कहते हैं कि इस प्रकार आचरण करो। तो आज गांव में घर में नंबर आ गयो थे अगला बेटा, तो मैं था लोगों ने थोड़ी ज्यादा कह दिया तो मैंने माफी किया। लेकिन बच्चों के लिए अब मैं कुछ कहना चाहूंगा, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा से बढ़कर इस संसार में कोई हथियार नहीं है। आज आप लोग यदि जानना चाहते हो तो आपके आसपास के बड़े लोग या आप किताबों में जो पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी क्लास में, उन सब आदमियों को देखो कि वो बड़े किस प्रकार बने। वो कमाई करने की जुगत में ऐसे नहीं थे कि जल्दी नौकरी लग जाए, वो तो एक पार्ट है। यदि आप पूरे मनोयोग से कोई भी काम करते हो, पूरे मनोयोग से, तो वो काम आपको आने लगता है। शिक्षा भी आपके अंदर रचनी बसनी चाहिए। ऐसे नहीं है आपने याद कर लिया अगले साल भूल गए, नहीं, फैक्ट भूल जाओ, लेकिन उसका जो ज्ञान है पता होना चाहिए। सूरज पूर्व में क्यों उगता है, भूगोल के विद्यार्थी आना चाहिए। आप छठी से ऊपर पढ़ रहे हो तो सूरज पूर्व में क्यों उदय होता है, ये सबको ज्ञान होना चाहिए। आपको आपके अध्यापक जी क्लास में पढ़ा चुके, लेकिन तत्समय आप सो रहे थे। और पढ़ने के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, मन के अपने साथ मन को रखना चाहिए। क्लास में पूरा मन लगाओ, मैं बिल्कुल पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की,
लेकिन कक्षा में ऐसे होता था मास्टर जी भी आते थे ना, तैयारी करके आते थे कि कक्षा में बैठा सही बता रहा, जहां भी पढ़ाऊं जैसे भी, कहने का मतलब यदि हम कक्षा में रुचि लेते हैं तो सारे अध्यापक अपनी तरफ से सर्वोत्तम अपने को देखे जाते हैं। कक्षा में 20 विद्यार्थी या 25 विद्यार्थी होते हैं, सारे अध्यापक जी अपनी अपनी वही चैप्टर सबको बता के जाते हैं, लेकिन एक बच्चा 43% पे फंसता फंसता निकलता है और दूसरा उसी में से 93% लाता है या 96 भी लाता है, तो उसका क्या फर्क है? उसकी चेष्टा में फर्क है, उसके घर के माहौल में फर्क है, उसके मम्मी पापा उसे पूछते हैं पढ़ रहे हो क्या, पढ़ा क्या, रुचि है आपको, कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो। हालत यह है माँ बाप की, बच्चों कौन से सब्जेक्ट है ये तो, अरे पढ़े लिखे होना जरूरत नहीं है भाई सब्जेक्ट पूछने में, आप जस्ट पूछो सही बच्चे से, तेरे कितनी किताब है, इसी किसी तने दोरी लगे, कितनी तने आ रही है स्कूल में, कितना गुरुजी है, आज कितनी क्लास पढ़ाई, ते के काम करियो के करनो है, यदि इतो भी दे करनो चालू कर दो, इतनी गारंटी है कि थारे बच्चे को लेवल जिगो मिनिमम समझ के लिए चाहिए उसे अच्छा हो। इतनी सी बात, केवल टाबरा पूछ लो चालू कर दो, दादो है तो पोतन पूछ लो, बाप है तो बेटा बेटी पूछ लो कि थे स्कूल जा रहे हो कुण मिलियो के कियो, ज्यादा टाइम बोला 5 मिनट में सब बताई हुई, जोड़ो खोल देख छोटा टाबर पहली दूसरी पांचवी जीते तो बड़ी की देख, और अभी हालांकि समय बदला है, माए पढ़ी लिखी आई है, बच्चों को खूब सपोर्ट करती है मोटिवेट करती है, लेकिन गाँव में माहौल नहीं है, गाँव में गली में निकलते ही कुछ और कुछ कहते रहते हैं, दादा का नाम लेके रोचे बोलते, इसी जगह प्रार्थना सभा होती थी, मैं लाइन में बैठा था, नाम नहीं लूंगा, आदमी अभी परिसर मौजूद है, मेरे ऐसे घुंघराले बाल चिपके हुए यूं लहर लहर रहते थे, अखबार पढ़ाते थे, तत्समय सोन सिंह जी कुलेरी प्रधानाध्यापक थे स्कूल, सेकेंडरी स्कूल थी, तो अखबार पढ़ाते थे, क्वेश्चन पूछते थे 5 जीके के, तो मैं दो तीन रोज जवाब देता था, जितनी ठीक ठाक स्टूडेंट था, तो मेरे पीछे वो बंदा बैठा था, वो भी यही है, हालांकि ये मैं उसे माफी मांगता हूँ, उसको हो सकता याद ही नहीं, तो उसने मजाक में की थी कि देख बाढ़ देख तेरे पाइडिये का चाटूडा जने उनके उत्तर बतावे, मुझे उस समय भी बुरा नहीं लगा था, आज भी बुरा नहीं लगा, और ये मैं हजारों जगह सभी दोस्तों के साथ बड़े बड़े मंचों पे कह चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बात यहाँ इसलिए मेंशन किया, कोट की है कि किसी और के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग, बड़ा आदमी बनना है तो किताब ज्यादा पढ़ने से ज्यादा है कि अच्छा आचरण करो, सोच अच्छी रखो, भाव अच्छे रखो, परिणाम अपने आप आ जाएंगे, प्रकृति अपने आप आपको देगी। वाचनालय की शुरुआत हो रही है तो वाचनालय के लिए एक ऐसी संचालन कमेटी होनी चाहिए, 2-3 आदमी ऐसे होने चाहिए पूरी जिम्मेदारी से इसका संचालन करें, ये सारे जो युवा लोग हैं मास्टर या जितने भी उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी टीम गठित करो, ऐसे आदमी बनाओ जो जाति से धर्म से इसे पार्टी से फलाण से दिंगड़ से प्रभावित नहीं, जो सही को सही और गलत को गलत करे, वहां आके पहले नियम बना लो कि ये लाइब्रेरी का नियम है, इतनी लाइब्रेरियां चल रही है, डॉक्टर साहब सुनील जी और ये बता देंगे कि हमने फला जगह लाइब्रेरी चालू की है, बोझा सर की सबसे सक्सेस है, बज्जू में भी चल रही है, जांबा में भी चल रही है, उनमें कौन सी ऐसी तरकीब अपनाई है कि वो बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, वो सब चीजें अपने भी अपनाओ, और जो बदमाशी करे या जो लाइब्रेरी के अनुशासन का पालन नहीं करे उसको बाहर, मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी खाली रहे लेकिन अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन से आदमी बनता है, कोई आदमी सर्विस लगने से पहले गांव में वैसे गली में फिरता होता है लेकिन सर्विस लग के वापस आता है तब कितना सुसंस्कारित और उसका आचरण कपड़े पहनने तरीका बोलने का तरीका, तो वो अपने लाइब्रेरी वो पाठशाला होनी चाहिए कि लाइब्रेरी में आने वाला लाइब्रेरी के निर्धारित जो अनुशासन के मापदंड है उनका सख्ती से पालन करे। इस मामले में हमारी बच्चियां सदैव से अव्वल रही है, मातृशक्ति हमेशा से अव्वल रही है, लेकिन ऐसी सोच कई कारणों से रही हो, हमारे भारत में सनातन समय में कभी पर्दा प्रथा नहीं थी, या आज जो प्रथाएं महिलाओं के विरोध में सबसे बड़ी अपने जो है, जैसे मैडम ने जिक्र किया था गांव वाले बड़े बुजुर्ग या उनको ऐसे लग सकता है कि ये पर्दे पर्दे की इनकी क्यों बात करते हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि 1-2 दिन दे ट्राई कर देखो, थाली पागड़ी झिणी झिणी ओट ठंडा पड़े की जीवन किया है, बाने भी हक है, खुलो सूरज देखने को खुलो फिरने को, इनका मतलब असिष्टता नहीं है, पढ़ी लिखी बच्चियां जब उनको ज्ञान हुआ है समझ में आया कि घूंघट काटने का मतलब ही मर्यादा नहीं है तो नहीं रखती, का भाव यह है कि इस प्रकार की जो हम कुरूतियों को ढो रहे हैं
या बिना जरूरत की जो चीज है जो जीवन में हमारे साथ तक नहीं है, केवल हम इसलिए करते हैं कि लोग के कई वो के जाने, अरे कोई की कौन जाने, और जाने कोई फर्क कौन पड़े, और थे कर भी दो तो वो तो वही ही जाने। आदमी यदि दूसरे की परवाह करते आप जान भी दे दोगे ना कि मैं यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या खून से रंग दो तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आपके साथ परिवार में धर्म पत्नी बच्चे सब होते हैं, उम्र के साथ सबके विचार आते हैं, संसार के भाव आते हैं, सब सदैव सहमत हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यदि सहमत होते हैं तो गलत है, सही में तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीवन हर दिन नया रूप आता है, नई परिस्थितियां आती है, उसको अपने को जीना पड़ता है। कभी चुनौती किसी रूप में आती है, कभी किसी रूप में, लेकिन मिल बैठ के बात करके अच्छे से निपटारा करके हम बहुत अच्छा समाज निर्मित कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिवार निर्मित कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं। वो सब अच्छे व्यक्ति जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुख शांति वाला, और गांव में गेट से निकलता हुआ आदमी एक को देख कर इधर देखता हुआ नहीं जाएगा, खुश मिलके जाएगा, उसे दुआ सलाम करेगा, नून प्रणाम, राम राम, और भाई की है कि खेती बड़ी, ये दायरा बढ़े, ऐसी सोच की अपेक्षा सबसे करता हूं। और ऐसी सोच मैंने जब से मेरी समझ है तब से रखी है, और उसी का मैं फल मानता हूं कि ये आज जिस रूप में आज जहां उसका कारण भी यही है कि जो बात जैसी है बिना परवाह किए, अरे भाई कौन के कही थे सोच देख लो वो तो कौन तो जब कहने कौन है कई, तो कुल मिला के 100 बातों की एक बात है कि अपने गांव का माहौल अच्छा होना चाहिए, गांव के हित के मुद्दों पे हम सारे सहमत होने चाहिए, सही बात को सही कहेंगे, गलत को गलत, और खुल के बात करके डिसाइड करेंगे भाई गांव के लिए चाहे कुछ भी आए हम सोच विचार के ये प्लान करके अपना करेंगे, क्यों हमारा गाँव है, हमारे बच्चों के रहेंगे या हमसे बाद में जो भी आएंगे, इस प्रकार की सोच से हम अपने गाँव को अच्छा एक प्यारा गाँव बनाएंगे। और हमारा गाँव बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, दादा खिराज भोमिया जी की अनंत कृपा हम पे है, इतनी अच्छी ट्यूबवेल है, इतनी अच्छी फसलें होती है, इतने बच्चे हमारे सेवाओं में हैं, धीरे धीरे जो जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है उत्तरोत्तर बड़ी पदों पे जाएंगे, आज 5 अधिकारी है तो आने वाले समय में 50 होंगे, आज आरएएस है कोई इसी लेवल तक है तो आने वाले समय में आईपीएस आईएएस होंगे, इसमें कोई शक नहीं, पर होगा तभी जब गाँव की ऐसी स्पिरिट हो, ऐसी सोच, जो गांव हमसे आगे हैं, जहां से बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं, उन गांव में कोई न कोई एक दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए या गांव की भलाई के लिए अच्छे काम किए थे, उसका परिणाम। तो हम लोग भी आज इस शुभ अवसर पे सभी संकल्प लें कि व्यक्तिगत जीवन को भी अच्छा करें, कोई ऐसी चीज पकड़ के जाएं या कुछ भी है और बुरी चीज को छोड़ के जाएं, चुगली करने की आदत है तो उसको छोड़ो, मोबाइल देखने की ज्यादा आदत है तो उसको छोड़ो, ऐसी कोई न कोई एक चीज आज हम पकड़ के जाएं तो आज के इस कार्यक्रम की हमारे व्यक्तिगत रूप से फायदे की बात होगी, लाभ की बात होगी, जो चीज व्यक्तिगत रूप से सही है वो सारे समाज के लिए सही होती है, बस ऐसे वो विधि के अनुसार हो, रीति के अनुसार हो, नीति के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो, कानून के अनुसार हो, वो व्यक्ति के लिए सही है तो समाज के लिए सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतने प्यार से, इतनी शांति से सारी बातें सुनी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह गया हूं तो अपना बच्चा समझ के माफ करना, सबको पुनः सादर प्रणाम, जय हिंद जय भारत।